वर्जिनिटी तोड़ना या फिर सील तोड़ना हर बार होता है क्या? कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आप अपनी वाइफ की वर्जिनिटी का पता लगा सकते हैं, या आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे मेल पार्टनर वर्जिन है या नहीं है? पहली रात को कैसे पता चलेगा कि मेरा पार्टनर वर्जिन है? ब्लीडिंग तो हुई नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ घोटाला ही लगता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आज जुड़ गई हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्सुअल काउंसलर और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपनी वीडियोज के माध्यम से ज्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी वर्जिनिटी के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्स एजुकेशन का टॉपिक है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें और वीडियो अंत तक तो आपने देखनी है, मुझे पता है। तो प्लीज 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 लाइक एंड शेयर। तो चलिए, मैं बात करी थी वर्जिनिटी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या हर बार, पहली बार जब हम सेक्स करते हैं तो हाइमन ब्रेक होता है? देखिए, हाइमन एक पतली सी झिल्ली है जो आपके वजाइना के जस्ट ऊपर होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर फीमेल में हाइमन टूटता है पहली बार सेक्स करने से। तो प्लीज़ इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मेरी वाइफ का या मेरे पार्टनर का हाइमन नहीं टूटा है तो इसका मतलब है कि वो वर्जिन नहीं है। वो फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करती हैं, जिम करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहती हैं, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, फिर जिमनास्टिक्स ज़्यादा करती हैं, एक्रोबिक्स ज़्यादा करती हैं, तो भी उनका हाइमन ब्रेक हो जाता है। और कई फीमेल्स में हाइमन होता ही नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से, अपने उससे निकाल दीजिए कि भाई सील नहीं टूटी तो भाई ये तो वर्जिनिटी ही नहीं है और मैं तो, मेरे साथ तो धोखा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ जो मानने की आपको ज़रूरत है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे से कि मेल्स में कैसे पता चलेगा कि वर्जिन है या नहीं है, ऐसा भी कोई तरीका नहीं है। आप किसी भी तरीके से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल्स की वर्जिनिटी कैसे टूटी है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके मेल को पहली बार सेक्स करने में पेन हुआ या उसे जोर आया, इसका मतलब है डेफिनेटली वो पहली बार कर रहा है। लेकिन ये भी एक मिथ है, राइट? इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे हस्बैंड ने आज तो पहली बार किया और बहुत अच्छा किया तो इसका मतलब है कि उसको तो पहले से ही एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और सील टूटना या वर्जिनिटी नहीं होना, ये प्लीज़ एक सोशल टैबो है। इसके पीछे कोई मेडिकल या कोई भी प्रूविंग आइडेंटिटीज़ नहीं है। वर्जिन ना होना या सील ना होना आपको करेक्टरलेस या वर्दी या फिर आप यूज्ड माल हो, ये सब नहीं होता। प्लीज़ अपने दिमाग को, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करिए। और सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप 2021 में रहते हैं, यहाँ पे हर किसी के बॉयफ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, आप ऐसे में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को इस, आप शादी भी 26-27 में करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे वर्जिन पार्टनर मिले, और अगर कोई पार्टनर आपको आगे से आके ये बोल देता है कि भाई मैं वर्जिन नहीं हूँ और मैंने एक बार किया है, तो आप उसे शादी करना छोड़ देते हैं, आप उसे छोड़ ही देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुम वर्जिन नहीं हो। अभी किस संसार में जी रहे हो तुम? दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, जब आपका पार्टनर आपके साथ है, जिस पर्सन के साथ आपने लाइफ जीनी है, वो आपको कितना समझता है। अगर वो आपको समझता है, आपके साथ बॉन्डिंग है, तो सेक्स इज समथिंग कैन बी इंजॉयड। इसमें यूज्ड माल जैसी क्या वर्ड है? या सील ही नहीं टूटी तो आप करेक्टरलेस हो गई, या मेल ने आगे चढ़ के बता दिया कि मैं तो 2-3 लड़कियों के साथ है तो लड़की ने उसे छोड़ दिया। प्लीज ग्रो अप, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। वर्जिनिटी का मतलब किसी भी तरीके से किसी इंसान की औकात, वैल्यू, वर्थ, उसकी प्लीज़ उसकी जवानी को सेकेंड हैंड नहीं कर देता है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। और वर्जिन होना ना होना पे ध्यान लगाने की बजाय अगर हम इस चीज़ पे ध्यान लगाएं कि हमारे विचार कितने मिलते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी मिलती है, हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंस कितनी मिलती है, वो कितने बच्चे करना चाहती है, मेरे परिवार की बॉन्डिंग कितनी मैच करती है, हम लोगों की करियर ओरिएंटेशन क्या है, हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे करना चाहते हैं, अगर आप शादी से पहले प्लीज़ इन क्वेश्चंस को पूछ लेंगे ना, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, आपका दिमाग भी सेटल रहेगा और कोई कलेश या डाइवोर्स तक बात नहीं पहुंचेगी। देखिए, शादी आपका चॉइस है, लेकिन उसके अंदर 10 तरह की शर्तें रख लेना या फिर सेक्स से रिलेटेड डाउट्स करना इज नॉट एट ऑल गुड। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा क्लियर डिमार्केशन और आइडेंटिफिकेशन दे पाई होगी।
प्लीज इस चीज को समझिए और मेरे मैसेज को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कन्वे करिए। बीइंग अ सेक्सुअल काउंसलर, मेरे पास रोज ऐसे ना जाने कितने केस आते हैं जिसमें लोग डरे हुए होते हैं कि मैं तो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है वो वर्जिन नहीं है। हाँ, मैं आपको एक और केस बताती हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास एक ऐसा भी कॉल आया है कि मैं लड़की से मिलने गया हूँ पहली बार, हमारी शादी तो तय हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके ब्रेस्ट के निपल्स बहुत ज्यादा डार्क हैं या बड़े हैं, तो मुझे लगता है वो वर्जिन नहीं है। आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लड़की पहले करी हुई है, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखें, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो फिर अब आपने क्या करना है, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप पर्सनली मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, साथ साथ पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com, और कोई भी आपका क्वेश्चन है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, बहुत जल्दी उस पर वीडियो आपके साथ आएगी। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ आप, और लाइक करें, शेयर करें।